Well, now we will learn accounting for the cost of financial sources. Financial sources, when we say there are in fact two broadly speaking, the financial sources or source of finance. One is the equity capital, and the second one is the debt capital. Okay. एक्विटी है वो ऑनर्स से हमने जो कॉन्ट्रीब्यूशन ली हुई है वो एक सोर्स ऑफ फाइनेंस है और जो लैंडर्स से हमने कर्जा लिया हुआ है डेट इक्विटी वो एक सोर्स ऑफ फाइनेंस वेल बोथ कॉस्ट इन फैक्ट टू एंटिटी जो हम ऑनर्स से एक्विटी की कॉन्ट्रीब्यूशन लेते हैं उनको इन रिटर्न हम डिविडेंड दे रहे होते हैं विच इज कॉस्ट ऑफ द एंटिटी एंड जो लैंडर्स से हमने इक्विटी ली हुई है दैट वी हैव बोरड इनफैक्ट उनको हम इंटरेस्ट दे रहे होते हैं विच इज कॉस्ट ऑफ द इक्विटी दैट इन फैक्ट वी हैव टेकन फ्रॉम द लैंडर्स डेट इक्विटी जो है तो ये दोनों कॉस्ट डिविडेंड एंड इंटरेस्ट इसको हम देखेंगे कि इसकी अकाउंटिंग किस तरह की जाती वेल डिविडेंट इज इनफैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन टू द शेयर होल्डर्स

शेयर होल्डर्स अब ये मीटिंग ड्यूरिंग द ईयर भी कॉल की जा सकती है एक अमाउंट को जेन में रखते हुए कि जो बिजनेस प्रॉफिट कमा सकता है या कमा रहा है जो पोटेंशियल है बिजनेस में जिस तरफ ये बिजनेस जा रहा है डायरेक्टर्स समझते हैं कि शेयर होल्डर्स को दे, दे देना चाहिए तो वो एक इन टर्म कहलाता है जो ड्यूरिंग द ईयर डायरेक्टर्स मीटिंग कॉल करते हैं और डिविडेंड अनाउंस कर देते हैं पे भी कर देते हैं और वो डिविडेंड जो सारा साल गुजरने के बाद प्रॉफिट की सालाना प्रॉफिट की अमाउंट के मालूम होने के बाद डायरेक्टर्स उस प्रॉफिट की बेस पर डिविडेंड अनाउंस करते हैं या अप्रूव करते हैं वो फाइनल डिविडेंड कहलाता है तो इन टर्म डिविडेंड जो के साल के दौरान में और फाइनल डिविडेंड जो के साल के एंड पर फाइनल प्रॉफिट की फिगर मालूम होने के बाद अप्रूव किया जाए उसको फाइनल डिविडेंड कहते हैं वेल, well, जो इंटरिम डिविडेंड है, उसकी अकाउंटिंग आप देखिएगा कि डिविडेंड को तो डेबिट करके डिविडेंड पे एक लाइबिलिटी बना दी जाएगी क्योंकि ये आपने ड्यूरिंग द ईयर डिविडेंड डिक्लेयर किया और एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड से पहले पहले आपकी बहरहाल ऑब्लीगेशन है कि आपने उसको पे करना है अगर नहीं पे करेंगे तो बहरहाल उस डेट पे एक ऑब्लिगेशन आपकी रहेगी जो कि फिर करंट लायबिलिटी में नजर आएगी इसलिए आप डिविडेंड पेएबल एक लायबिलिटी बना देते हैं और फिर आप उस डिविडेंड पेएबल को डेबिट करके बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं आपका वो डिविडेंड जो है वो पे हो गया और वो जो डिविडेंड का डेबिट है उस डिविडेंड के डेबिट को आप रिटेन्ड प्रॉफिट में ले जाते हैं जैसा कि हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में इसको सीखा डिविडेंड रिटेन्ड प्रॉफिट्स को या रिटेन्ड अर्निंग्स को रिड्यूस करता है तो डिविडेंड का डेबिट जो है रिटेन्ड प्रॉफिट्स को ट्रांसफर कर दिया जाएगा वहां पर उसको फिर हम डिविडेंड क्रेडिट करेंगे रिटेन प्रॉफिट्स को डेबिट करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां जेहन में रखिएगा कि डिविडेंड ये एक्सपेंस नहीं है अमूमन स्टूडेंट्स इसको गलत समझ लेते हैं कि शायद ये डिविडेंड एक एक्सपेंस है इट्स नॉट एन एक्सपेंस ये एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टू द शेयर होल्डर फाइनल डिविडेंड जैसा कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि आप एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड पर पहुंच गए रिपोर्टिंग डेट पर पहुंच गए आपने प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लिया फॉर द ईयर और फिर आपने बोर्ड मीटिंग कॉल की और उस बोर्ड मीटिंग में डिसीजन लिया गया कि शेयर होल्डर्स को इतना डिविडेंड दिया जाना चाहिए अब आप बताइए कि यह ऑब्लिगेशन उस ऑर्गेनाइजेशन की उस एंटिटी की रिपोर्टिंग डेट पर तो नहीं थी ना लिहाजा उस रिपोर्टिंग डेट पर पेएबल की कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं पास की जा सकती लाइबिलिटी नहीं बनती उस रिपोर्टिंग डेट पर ये, ये उस रिपोर्टिंग डेट के बाद मीटिंग होल्ड की गई जिसमें के डायरेक्टर्स अप्रूव द अमाउंट ऑफ डिविडेंट डिविडेंड को हम डेबिट नहीं कर सकते ना ही डिविडेंड पेबल को क्रेडिट कर सकते हैं हा हम इसको डिस्क्लोज करते हैं अपने फाइनेंशियल नोट्स के अंदर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नोट्स हो फिर बात आ जाती है इंटरेस्ट की जो कि हमने बोरिंग्स पे पे करना होता है अब ये लोन बॉन्ड्स नोट्स डिबेंचर कुछ भी हैं बोरिंग्स हैं जिसपे हमने इंटरेस्ट पे करना है इसको एक्रूअल बेसिस पे हमने एक्सपेंस आउट करना होता है ये एक्सपेंस है बिजनेस का और उनको आप एक्सपेंस में डेबिट करके उसके अगेंस्ट एक इंटरेस्ट पेएबल को क्रिएट करते हैं और फिर उस इंटरेस्ट पेएबल को आप कैश में या चेक के जरिए से बैंक के जरिए से जो भी है आप उसकी पेमेंट कर रहे होते हैं बैंक बैलेंस रिड्यूस होता है या कैश बैलेंस रिड्यूस होता है और इंटरेस्ट को चूंकि वो एक्सपेंस है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में आप उसको क्लोज कर देते हैं इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज जो है वो इंटरेस्ट एक्सपेंस को डेबिट करके इंटरेस्ट पेएबल को आप क्रेडिट कर रहे हैं और उसके बाद इंटरेस्ट पेएबल की आप पेमेंट कर रहे हैं और वो इंटरेस्ट एक्सपेंस का डेबिट जो है उसको आप क्लोज कर रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के अंदर तो यूं वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में एक्सपेंस के तौर पर नजर आ जाता है हाँ अलबत्ता जितना अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आपने एक कर लिया लेकिन पे नहीं किया इस साल में वो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आपकी लाइबिलिटी बन जाता है करंट लायाबिलिटी क्योंकि दिस इज द अमाउंट Or, this is the obligation that you will meet or that you will pay in the very next few days. You have or you have to pay to the lenders this amount of interest. So, you will recognize current liability. Ke